नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गंगा दशहरा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बिहार के एक और लाल ने किया कमाल। सोनू सूद ने चार चार हाथ पैर वाली बच्ची का कराया सफल ऑपरेशन। तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गंगा दशहरा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। कोरोना काल की बंदिशों से मुक्त होने के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुवार यानी आज गंगा दशहरा धूमधाम से मनाया। सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धा और आस्था का सैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के जय घोष के बीच गंगा में डुबकी लगाई। गंगा दशहरा आज 9 जून को है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तारीख को हस्त नक्षत्र में माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस हर साल इस तारीख पर गंगा दशहरा मनाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा की पूजा करने, गंगा स्नान और दान करने से मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है। बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक और अंक पत्र और प्रमाण पत्र। बिहार बोर्ड के वैसे विद्यार्थी जो इसी साल 2022 में 10वीं बोर्ड का परीक्षा दे चुके हैं, उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक परीक्षा 2022 का अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र और विद्यालय क्रॉस लिस्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन आपको ये प्रमाण पत्र 12 जून से अपने विद्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि 9 और 10 जून यानी आज और कल तक ये सभी प्रमाण पत्र जिलावार उपलब्ध करवाए जाएंगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 10 और 11 जून से यह वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क अब तक नहीं जमा कराने वालों को प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध कराने की बात कही है। ऐसे में विद्यालयों के प्रधान 9 से 15 जून तक बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद उन्हें अंक प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सोनू सूद ने चार चार हाथ पैर वाली बच्ची का कराया सफल ऑपरेशन। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद फिल्मों में भले ही हमेशा से विलन का रोल करते हो, लेकिन रियल लाइफ में वो वाकई हीरो है। ये हम नहीं कह रहे, ये उनका काम कहता है। अभिनेता सोनू सूद ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि क्यों लोग उन्हें गरीबों का मसीहा मानते हैं। ऑपरेशन के बाद बच्ची की कुछ तस्वीरें सामने आई है। नवादा के चार हाथ पैर वाली बच्ची अनोखी बच्ची चौमुखी कुमारी के सर्जरी के लिए फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई बुलाया था, जिसे चार चार हाथ पैर वाली छोटी सी बच्ची चौमुखी का इलाज कराने में बिहार सरकार ने भी किसी प्रकार की सहायता करने से इनकार कर दिया था। उस बच्ची का सफल ऑपरेशन सोनू सूद ने करवाया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए एजेंसियों का हुआ चयन। अब बिहार की सभी गलियां जगमगाएंगी। इसके लिए 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत विद्युत भवन के सभागार में बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा की तरफ से योजना क्रियान्वयन विषय पर कार्यकारी एजेंसियों के साथ समीक्षा और लॉटरी से जिला आवंटन हेतु बैठक आयोजित की गई है। यहां कुल 13 कार्यकारी एजेंसियों के बीच सभी 9 प्रमंडलों के कुल 38 जिलों के लिए जिला आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया। राज्य के वैसे जिले जहां 200 से अधिक पंचायत है वहां के लिए 3 एजेंसियां और अन्य जिले जहां 200 से कम पंचायत है वहां 2 एजेंसियों का चयन किया गया है। 21 महीने में बनकर तैयार होगा एनआईटी बिहटा कैंपस। बिहार के एनआईटी बिहटा कैंपस 21 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यही नहीं, इसी साल जून जुलाई तक इसका शिलान्यास हो जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री को न्योता भी भेजा गया है। इसकी सूचना एनआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर पीके जैन ने पीएमओ और शिक्षा मंत्रालय को दे दी है। नया कैंपस 2022 मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। जुलाई 2024 का नए सत्र नए कैंपस से संचालित होगा। ये मेगा निर्माण कार्य के लिए अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड ACIL को बिल्डर के रूप में चुना गया है। नए कैंपस के लिए राज्य सरकार ने 125 एकड़ भूमि प्रदान की है। भूमि की घेराबंदी हो गई है। आपको बता दें कि टोटल 6600 स्टूडेंट्स के लिए ये कैंपस का निर्माण करना है। बिहार के एक और लाल ने किया कमाल। एक बार फिर से बिहार के लाल ने कमाल कर दिया है। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में बिहार को पहला स्वर्ण पदक मिल गया। जहानाबाद के भोला कुमार ने इस प्रतियोगिता में बिहार को पहला गोल्ड दिलाया है। भारोत्तोलन में भोला ने स्नैच राउंड में 127 स्नैच और 155 क्लीन जर्क के साथ बिहार को जीत दिलाई। भोला की इस कामयाबी से पूरे बिहार के खेल जगत में खुशी की लहर है। भोला जहानाबाद जिले के कल्पा पंचायत के धर्मपुर गांव निवासी है। भोला की इस उपलब्धि पर उनके कोच राजेंद्र कुमार से लेकर पूरे बिहार के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। 20-25% पाई गई नल जल योजना में गड़बड़ी। नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल में 20-25% की गड़बड़ी सामने आई है। राज्य सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर जब सवाल किया गया तो अपने जवाब में मंत्री ने कहा कि उसके लिए सोशल ऑडिट भी कराया जा रहा है विभाग की तरफ से भी और जिले की तरफ से भी, और सोशल ऑडिट में ये पाया गया है कि करीब 20-25% गड़बड़ियां हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बिजली है उससे समस्या बनी रहती है, कभी भी बिजली का तार टूट सकता है, पोल टूट सकता है। वैसे भी इसमें से ये सतत होते रहने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो 20-25% गड़बड़ियां सामने आ रही है उसको सुधारने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है।
मानुषी छिल्लर की बहन भोजपुरी फिल्म में करना चाहती है अभिनय। साल 2018 की मिस वर्ल्ड और हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान हिंदी सिनेमा में मानुषी छिल्लर की बहन का रोल अदा करने वाली अभिनेत्री ऐश्वर्या राज भाकुनी फिल्म की प्रमोशन को लेकर बीते दिन पटना पहुंची थी। यहां उन्होंने बताया कि उन्हें पटना से पुराना लगाव रहा है, बिहार की मिट्टी में देश प्रेम ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्मों में अगर काम करने का मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी। ऐश्वर्या राज भाकुनी ने यह भी कहा कि उन्हें साफ सुथरी फिल्में करना पसंद है। ऐश्वर्या ने फिल्म अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहा कि उनके साथ जो भी हुआ ईश्वर आगे किसी के साथ ऐसा ना करे। केंद्र सरकार के कर्मचारी ने ही दिया था पीटी का पेपर। बीपीएससी 67वीं परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद ईओयू की टीम इसकी गुत्थी सुलझाने में लग गई है। कई सुराग भी हाथ लगे लेकिन इस मामले के अंजाम तक अभी भी पहुंचा नहीं जा सका है। हालांकि इस मामले में एक बड़ा और नया खुलासा हुआ है। ईओयू की टीम को जो नई जानकारी मिली है उसके अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी ने ही पेपर लीक किया था। एसआईटी को जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार केंद्र सरकारी कर्मी खुद ही एग्जाम दे रहा था और साथ ही उसने फॉर्म भरने में गलत एड्रेस इलाहाबाद का दिया था। ये कर्मी इलाहाबाद में पोस्टेड है। अब एसआईटी इस कर्मचारी की तलाश शुरू कर चुकी है। इस चार जिले में होगी भारी बारिश। मॉनसून के आगमन से गर्मी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। बुधवार की बात करें तो बिहार में पटना सहित 18 जिलों में तापमान में वृद्धि देखी गई। राजधानी पटना में आज भी अधिकतम तापमान में 2 डिग्री ज्यादा सुबह 11 बजे तक 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं गर्मी से मिलने वाली राहत की बात करें तो अभी हफ्ते भर कोई गुंजाइश नहीं है। मौसम विभाग की माने तो दूसरी तरफ उत्तर बिहार के लगभग 15 जिलों में मेघ गर्जन के साथ साथ बारिश के आसार है। उत्तर पूर्व के चार जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण बिहार के लोगों को 15 जून से पहले उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। नशा विनष्टीकरण दिवस के तहत मादक पदार्थों को किया गया नष्ट। बिहार में मादक पदार्थों के सेवन और बिक्री प्रतिबंधित है लेकिन फिर भी लोग इससे परहेज नहीं कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क विभाग पटना द्वारा 6 से 12 जून तक प्रतिष्ठित सप्ताह आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिन नशा विनिष्टीकरण दिवस के तहत 275.8 लाख रुपए का जब्त प्रतिबंधित मादक पदार्थ को बैरिया पटना में नष्ट किया गया। यही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपरोक्त नशीले पदार्थ के विनिष्टीकरण का सीधा प्रसारण देखा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डीजीपी बिहार और शिक्षाविद अभियानंद थे। कांग्रेस ने सभी राजनीतिक पार्टियों को दिया चकमा। बिहार में एमएलसी चुनाव के नामांकन जारी और इस बीच कांग्रेस के नए नए पैतरे देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस हर घंटे ऐसे रंग बदल रही है कि राजनीति करने वाले सुरमा भी चकमा खा रहे हैं। मंगलवार की सुबह जब कांग्रेस विधान परिषद चुनाव में न्यूट्रल थी, बुधवार को पार्टी प्रवक्ता साफ साफ कहते हैं कि कांग्रेस एमएलसी चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। लेकिन गुरुवार यानी आज जागरण न्यूज पोर्टल के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। प्रद्युमन यादव ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रसीद कटा ली है। आपको बता दें कि चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। आखिरी दिन कांग्रेस का ये कदम राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा झटका है। मतलब ये कि कांग्रेस भी एमएलसी चुनाव लड़ेगी। आरएसएस प्रमुख से मिलने स्टेशन पर पहुंची सैकड़ों लोगों की भीड़। सुरक्षा घेरों के बीच स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने पहुंच गए संघ प्रमुख मोहन राव भागवत। बताते चले कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत गुरुवार की सुबह समस्तीपुर के रेल इंद्रालय पहुंचे। सड़क मार्ग से वो समस्तीपुर आए। वो रेलवे अधिकारी गेस्ट पहुंचे, वहां से सीधे स्टेशन की तरफ रवाना हुए। वो सुबह 10:30 बजे वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से कानपुर के लिए प्रस्थान हुए। उनके आगमन और प्रस्थान को लेकर सुरक्षा के काफी इंतजाम थे। जिला और रेलवे प्रशासन की पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। बता दें कि मधुबनी के पंजौल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्तर पूर्व क्षेत्र संघ शिक्षा वर्ग में शामिल होने के लिए वो 4 दिनों के प्रवास पर थे। दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 जून से शुरू हो रही 5 मैचों की T20 सीरीज से ठीक पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में टीम के कप्तान नियुक्त किए गए केएल राहुल चोटिल हो गए हैं। केएल राहुल की चोट इतनी गंभीर है कि वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का हिस्सा नहीं रहेंगे। बीसीसीआई की तरफ से ऋषभ पंत को इस सीरीज के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं हार्दिक पांड्या उप कप्तान होंगे। केएल राहुल की चोट के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन बीसीसीआई ने पुष्टि कर दी है कि केएल राहुल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का हिस्सा नहीं है। अब तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। भारत सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों से यह पता चलता है कि कोरोना के मामले देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 7,240 नए मामले सामने आए हैं और 8 लोगों की जान गई है। बड़ी बात यह है कि कल के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में 40% का इजाफा हुआ है। वहीं बिहार में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार ये 81 है। वहीं राज्य में 85,606 सैंपल की जांच हुई जिसके बाद राज्य में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिसमें राजधानी पटना में सबसे अधिक 12 मामले मिले हैं। वहीं नालंदा में कोरोना के मामले की पुष्टि हुई है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है के सिन्हा, शंकर मुखिया, महेश दास, पवन सिद्धार्थ कुमार, प्रीतम प्रेमी, मयंक पाल, कुलदीप यादव, दिलखुश राज, रिया अंसारी, रंजीत यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज खेले जाने वाले पहले T20 मैच में किसका पलड़ा भारी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।